उसी के साथ कुछ स्पॉन्सर्स के बारे में बात करेंगे। यूएसएन लाइफ का जो स्पॉन्सरशिप यूट्यूब लाइव के माध्यम से चल रहा है मिस्टर नरेन पाटिल एंड जगदीश घरत सर के तरफ से जरूर देखने मिला। मंडप का जो स्पॉन्सरशिप है मिस्टर सुरेश पाटिल एंड राजेश पाटिल सर के द्वारा दिया गया। बॉल का जो स्पॉन्सरशिप है गिरिधर फुलेवरे सर एंड मधुकर भोड़ सर के तरफ से देखने मिला। फर्स्ट प्राइज का जो कैश मनी है मिस्टर संजय देवराम भोड़ सर के तरफ से दिया गया। सेकेंड प्राइज का कैश प्राइस मिस्टर मेघनाथ घरत सर के तरफ से यहाँ पर मिला गया। थर्ड प्राइज के बारे में बात करें तो मिस्टर चंद्रकांत गोपाल देशले सर एंड बलिराम कृष्ण पाटिल सर के तरफ से यहाँ पर शिप के द्वारा दिया गया। फर्स्ट प्राइस के ट्रॉफी के बारे में बात करें तो सतीश मधुकर घरत सर के तरफ से दिया। सेकंड प्राइस का ट्रॉफी मिस्टर मिकी पाटिल सर के तरफ से यहां पर स्पॉन्सर किया गया और थर्ड प्राइस का ट्रॉफी है मुकुंद घरत सर के तरफ से। उसी के साथ सीरीज बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी मिस्टर हरीश जोशी सर के तरफ से की गई है। चलिए मैच ऑन कर रहा है। ऐसे ही कुछ स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने हमको इस टूर्नामेंट के लिए योगदान किया। सभी स्पॉन्सर एंड सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने स्पॉन्सर किया। चलते हैं मैच की ओर। पहले ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे अक्षय आते आते प्रहार करना चाहते थे। पहली ही गेंद पर हम स्टार्मिंग शॉट खेल बैठे। पहली विकेट का पारी यहां पर होता हुआ आजा स्पोर्ट्स कोल क्षेत्र के अक्षय को फिर से एक बार पवेलियन में जाना होगा। आते आते पहली गेंद पर प्रहार करने की शॉट चार जरूर रख रहा था। डीप एक्स्ट्रा कवर पर खेला गया शॉट अक्षय एलिवेशन नहीं मिला। पहली गेंद पर एक बड़ा झटका जरूर यहां पर रखते हुए आजा स्पोर्ट्स कोलशेद को और अक्षय का जगह लेने के लिए आते हुए ने बल्लेबाज कुणाल। पहले ओवर का मैच खेला जा रहा है, थोड़ी देर में जरूर पता चलेगा। श्रीकृष्ण स्पोर्ट्स आयोजित भव्य ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का हु विल बी द चैंपियन, कौन बनेगा चैंपियन, मीरा रोड की टीम या कोलशेद। ये ट्रॉफी कोलशेद गांव में जाने वाली है, मीरा रोड में देखना होगा। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होते नजर आते हुए जो बॉर्डर लाइन के दर्शक वहां पर खड़े, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आपको थोड़ा पीछे से देखना। इस बार हल्के बल्ले से फ्लिक जरूर किया, बॉल यस से वहां पर दौड़ कर रन निकलने हैं यस और दो रन लेन में यहां पर जरूर कंप्लीट करते नजर आते हुई टीम। दोनों ही बैट्समैन एक साइड कुणाल तो एक साइड यतीन की पारी जरूर यहां पर देखने नजर आती हुई। दो गेंदे हो चुकी है, गेंदबाजी के बारे में बात करते हुए गेंदबाज नजर आते हुए यश इस बार देखिए बाहर पावरफुल शॉट गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए जबरदस्त शॉट यहां पर कुणाल ऑन फायर। फाइनल में प्रदर्शन करने का प्रयास जरूर कर रहे थे और अच्छा अच्छा शॉट जरूर यहां पर किया। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए और यस इसे सिक्स पे मिस्टर मेघनाथ घरत सर के तरफ से ₹500 की इनामी राशि जरूर यहां पर लगती हुई कुणाल के लिए। ये मेघनाथ सर का प्यार है, ये हमारे नाना का प्यार है, सभी दर्शकों को अच्छे परफॉर्मेंस को कैश प्राइस जरूर, ये कैश प्राइस नहीं है आशीर्वाद जरूर देते नजर आते हुए। इस बार ये के खिलाड़ी वहां पर प्रयास करने के प्रयास कर रहे थे, इस बार थोड़ा लाइन तो रन से भटकते नजर आते हुए खिलाड़ी दानिश। एक मौका जरूर यहां पर मिलता हुआ, कैच का मौका बन सकता था, आखिरी समय पर कैच जरूर छूटा और उसका पूरा फायदा यहां पर उठाई बैटिंग वाली टीम आजाद स्पोर्ट्स कोलशेद। यस स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 11 रनों पर। यश की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो अभी तक चार गेंदे हो चुकी है, चार गेंदों पर स्कोरबोर्ड पे स्कोर 11 रनों पर दिखाता हुआ। इस बार देखिए यतीन स्टार्मिंग शॉट खेल बैठे, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, डीप एक्स्ट्रा कवर को क्लियर करना चाहते थे, बैट और गेंद का इतना अच्छा संपर्क नहीं, एलिवेशन नहीं, गेंद रहेगी यहां पर विकेट के रूप में एक बड़ा झटका जरूर लगता हुआ यतीन को जाना पड़ेगा। अब यहां से आखिरी एक गेंद बची है, इस आखिरी गेंद बची है पहले इनिंग की आखिरी गेंद। स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ आजा स्पोर्ट्स कोलशेद का 11 रनों पर। फाइनल का पहली इनिंग की समाप्ति होने के लिए आखिरी गेंद बची है, सामना करेंगे नए बल्लेबाज गौरव। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज यश, गौरव इस बार प्रहार करना चाहते थे, मिस टाइमिंग खेल बैठे, दानिश वहां पर मौजूद है, इस बार दानिश कोई गलती करने वाले में से नहीं और एक बड़ा झटका जरूर यहां पर लगता हुआ आजाद स्पोर्ट्स कोलशेद की पारी समाप्त होती। इसी के साथ तो पहली इनिंग की समाप्ति हो चुकी है, पहले इनिंग की समाप्ति के बाद यस
इसी के साथ पहले इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। पहले इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ आजाद स्पोर्ट्स कोलशेद का 11 रनों पर, गार्गी स्पोर्ट्स मीरा रोड को यहां से जीत के लिए 12 रनों की जरूरत है। और आजाद स्पोर्ट्स को खुशखबरी यहां पर जरूर आती हुई, अगर आजाद स्पोर्ट्स फाइनल मारते हो तो यह सेमिस्टर अरुण पाटिल सर की तरफ से यहाँ पर बकरा इनामी राशि में जरूर दी जाएगी। यस, पार्टी ऑन है अगर आजाद स्पोर्ट्स कोलशेद, तो ये ट्रॉफी अगर कोलशेद के मैदान पर आती है या कोलशेद के घर में आती है तो यस, और दो खंभा भी, यस नाना व्हाइट व्हाइट चल रहा है, खंभा भी चल रहा है, जरूर ड्रिंक्स एंड स्वीट्स जरूर यहाँ पर मिस्टर अरुण सर की तरफ से दिया जाएगा। ये अरुण सर का प्यार है, ये मान्यवर का प्यार है जो आपको दिया जाएगा। सर आजाद स्पोर्ट्स कोलशेद प्लीज यू हैव ओनली वन मिनट, आपको फील्डिंग सेट करना है, 6 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा गया। चलिए प्लीज अंपायर्स फील्डिंग सेट करना। यस, गार्गी स्पोर्ट्स मीरा रोड के दोनों ही सलामी बल्लेबाज जरूर आते हुए। जबरदस्त, कुछ ही समय में इस टूर्नामेंट के फाइनल विजेता टीम कौन बनेगा, विजेता कौन बनेगा, चैंपियन टीम हु विल बी द वन, यस थोड़ी देर में जरूर चलो पता चल जाएगा। यस, यश के लिए भी इनामी जरूर लगती हुई। यस मिस्टर मेघनाथ घर सर, यस मिस्टर मेघनाथ घर सर की तरफ से जय पाटिल आपके लिए, हर एक कैच पे आपको 1000 रुपए की इनामी राशि, जय पकड़िए कैच पकड़िए 1000 रुपए की इनामी राशि। इस पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज नजर आते हुए बंटी, मैच का सिचुएशन है, 6 गेंदों पर जीत के लिए कंपलसरी 12 रनों की जरूरत है, 6-12 का मैच आता हुआ आजाद स्पोर्ट्स कोलशेद यहां पर सेकेंड इनिंग की शुरुआत करते ही पहली ओवर की पहली गेंद को लेकर बंटी, आमिर और नीतीश की जोड़ी जरूर मैदान की ओर नजर आती हुई। तो इस तरह गेंद एक्स्ट्रा कवर पे खेला गया शॉट, पहले ही गेंद पर अपने इरादे क्लियर करते नजर आते हुए बैट्समैन आमिर, यस गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, आते आते पहले ही गेंद पर प्रहार किया जबरदस्त टाइमिंग के साथ, क्रिकेटिंग क्लासिक शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर को क्लियर करते नजर आते हुए बैट्समैन आमिर सलामी, जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर आमिर के द्वारा। अब यहां से मैच का सिचुएशन देखिए, 5 गेंदे बची है, 5 गेंदों पर जीत के लिए 6 रनों की जरूरत है, एक बड़ा शॉट, मैच का एविलेशन देखिए कैसा बदल गया, एक बार फिर गेंदबाज निकले, गेंदबाज बंटी तैयार होते हुए सामना करेंगे आमिर, मैच का सिचुएशन 5 गेंदे जीत के लिए 6 रनों की जरूरत, इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, खिलाड़ी जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे आसानी के साथ, यस केवल 1 रन से संतुष्ट होंगे, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, इस 1 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 7 रनों पर। अब यहां से जीत का लक्ष्य थोड़ा नजदीक आता हुआ, 4 गेंदे बची है, 4 गेंदे पर जीत के लिए 5 रनों की जरूरत है, 4 गेंदे 5 रन, श्री कृष्णा स्पोर्ट्स आयोजित भव्य ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट, हु विल बी द चैंपियन, कौन बनेगा विजेता, मीरा रोड या कोलशेद, मैच का सिचुएशन 4 गेंदे जीत के लिए 5 रनों की जरूरत है। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, पावरफुल शॉट जनरेट किया, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में, रन आएंगे केवल 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, एक बार फिर यस प्रहार जरूर किया था, गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई, एक बार फिर गेंदबाज निकले, गेंदबाज बंटी, इस बार देखिए प्रहार जरूर किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक खिलाड़ी को गेंद को कलेक्ट करेंगे गेंद चली जाएगी, यस डिक्लेयर जोन में, रन आएंगे 1-1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, इस 1 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पर स्कोर जो पहुंचा है 9 रनों पर। आज का सिचुएशन देखिए, 2 गेंदे बची है, 2 गेंदों पर जीत के लिए 3 रनों की जरूरत है, 2-3 का मैच आता हुआ बंटी, पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट जरूर लगा था, उसके बाद में अच्छी गेंदबाजी करते नजर आते हुए गेंदबाज बंटी, मैच का सिचुएशन 3 गेंदे बची है, यस 2 गेंदों पर जीत के लिए 3 रनों की जरूरत,
इस बार देखिए जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने मिली। एक रन छुड़ाना चाहते थे, यस रनआउट के रूप में यहाँ पर विकेट का पतंग होता हुआ टीम मिरर रोड का। हम्पर अभी का वाइड है, हम्पर यस ओके वाइड बॉल और मैच में सिचुएशन आता हुआ देखिए। टर्निंग पॉइंट, अच्छी गेंद जरूर डाली थी, अंपायर बताते हुए कि ये वाइड की गेंद है। चलिए आज स्पोर्ट्स से कोच प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, आपको फील्डिंग सेट करना है। यस ऑन फील्ड अंपायर का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन होगा। चलिए प्लीज यस नए बैट्समैन नजर आते हुए चलिए मैच ऑन करना अंपायर प्लीज। नितेश स्ट्राइक पे होंगे, मैच में सिचुएशन देखिए किस तरीके से बदला, थोड़ा सा लाइन तो लेन थोड़ा सा बाहर दिखे, हम पर बताते हुए यस वाइड। अब यहां से जीत के लिए दो गेंदों पर दो रनों की जरूरत। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज बंटी, इस बार देखे तो सरार गेंद, इस बार सलामी छक्का, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए। और इस मैच को पूरी तरीके से अपने नाम करने वाली टीम गार्गी स्पोर्ट्स मीरा रोड, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम एंड हार्ड लक अजर स्पोर्ट्स कोलशेद। और जबरदस्त यहाँ पर परफॉर्मेंस जरूर देखने मिला, एक साइड आजाद स्पोर्ट्स कोलशेद तो दूसरे साइड गार्गी स्पोर्ट्स मीरा रोड जरूर आपस में लड़ती नजर आ रही थी। 12 रनों का लक्ष्य रखा गया था और आसानी के साथ अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने मिला। गार्गी स्पोर्ट्स मीरा रोड इज द चैंपियन ऑफ यस श्री कृष्ण स्पोर्ट्स आयोजित भव्य ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 के चैंपियन जरूर बढ़ते नजर आते हुए। अभी थोड़े समय में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जरूर यहाँ पर किया जाएगा, इनामी राशि दी जाएगी, जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी गेंदबाजी जिन्होंने की उनको मान्यवरों के शुभ हाथों से प्राइस जरूर दिया जाएगा। उसी के साथ जितने भी मान्यवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी मान्यवरों का आयोजित श्री कृष्ण स्पोर्ट्स भव्य ओवरम क्रिकेट टूर्नामेंट में सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मान्यवर मिस्टर देवराम बोईड सर, मुकुंद बोईड सर, जगदीश घरत सर, सुरेश पाटिल सर, अरुण पाटिल सर एंड मिस्टर चंद्रकांत देशले सर, मिस्टर दिलीप पाटिल सर, यस दिलीप उत्तेकर सर, सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आयोजित श्री कृष्ण स्पोर्ट्स भव्य ओवरम क्रिकेट टूर्नामेंट में सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत। उसी के साथ इस टूर्नामेंट जो सक्सेसफुल हुआ, जो स्पॉन्सरशिप थे इस टूर्नामेंट के, जो स्पॉन्सरशिप थे यस यू सी एन लाइफ के, जो स्पॉन्सरशिप नरेन पाटिल सर, मिस्टर जगदीश घरत सर के तरफ से की गई थी। मंडप जो इतना सुनहरा अच्छा मंडप यहां पर दिखता हुआ, उसका स्पॉन्सरशिप यहां पर मिस्टर सुरेश पाटिल एंड राजेश पाटिल सर के द्वारा दिया गया था।
सक्सेसफुली टूर्नामेंट 3 दिनों में जो बॉल का स्पॉन्सरशिप था यहाँ पर दिया गया था मिस्टर गिरिधर फुलोरे सर एंड मधुकर भोईर सर के तरफ से दिया गया था। पहली प्राइस की जो इनामी राशि है मिस्टर संजय देवरम भोईर सर के तरफ से पहले प्राइस की, इस टूर्नामेंट की पहली प्राइस की इनामी राशि दी गई है। सेकेंड प्राइस के बारे में बात करें तो यस सेकेंड प्राइस की इनामी राशि मिस्टर मेघनाथ घरे सर के तरफ से दी गई है। उसी के साथ थर्ड प्राइस के बारे में बात करें तो थर्ड प्राइस की इनामी राशि मिस्टर चंद्रकांत गोपाल देशले सर के तरफ से दी गई है। उसी के साथ मिस्टर बलिराम किशन पाटिल सर के तरफ से थर्ड प्राइस के लिए इनामी राशि रखी गई है। और ट्रॉफी के बारे में बात करें तो ट्रॉफी के स्पॉन्सरशिप श्री सतीश मधुकर घरत सर के तरफ से पहले प्राइस की ट्रॉफी इनामी राशि रखी गई है। दूसरे ट्रॉफी के बारे में बात करें तो यस मिस्टर विकी जयवंत पाटिल सर के तरफ से जरूर सेकेंड प्राइस की ट्रॉफी यहां पर रखी गई है। थर्ड ट्रॉफी की प्राइस जो है वो स्पॉन्सरशिप मिस्टर मुकुंद घरत सर के तरफ से जरूर यहां पर मिला है। और उसी के साथ सीरीज बेस्ट सीरीज ऑफ द मैच बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर की इनामी राशि जो है जो ट्रॉफी है वो यहां पर हरीश जोशी सर की तरफ से। तो ऐसे कुछ स्पॉन्सर्स इस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने स्पॉन्सरशिप किया, सभी स्पॉन्सर्स एंड सभी मान्यवरों का दिल से तेरे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप आपका कीमती समय निकालकर अपने क्रिकेट प्रेमी के लिए और इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने के लिए आपका जो योगदान रहा, सभी स्पॉन्सरशिप का धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रिय दिल से। और थोड़ी देर में इस प्राइस का शुरुआत जरूर करने जा रहे हैं बेस्ट बैट्समैन बॉलर और मैन ऑफ द मैच के खिताब फर्स्ट प्लेयर ऑफ द मैच रनर अप प्लेयर जरूर यहां पर दिए जाएंगे। मान्यवरों का स्वागत सत्कार भी चालू करते हैं। यस मान्यवरों का स्वागत सत्कार किया जाएगा। यस मिस्टर यस देवरम भोईर सर का स्वागत सत्कार साइरस पटेल आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके शुभ हाथों से यहाँ पर मिस्टर देवरम सर का जरूर स्वागत सत्कार करना है। नाना अपना कीमती समय निकालकर इस टूर्नामेंट के लिए स्वागत सत्कार जरूर यहाँ पर किया जा रहा है। मिस्टर साइरस पटेल आपसे निवेदन है कि आपके शुभ हाथों से मिस्टर देवरम भोईर सर का स्वागत सत्कार करना है। नाना अपना कीमती समय निकालकर क्रिकेट प्रेमी जब भी क्रिकेट के मैचेस होते हैं ना, नाना का आशीर्वाद हर एक मैच में जरूर नजर आता है और वही नजारा चाहे कोलशेद के मैदान पर आता नजर आता हुआ अपना कीमती समय निकालकर जरूर आते हैं। उसी के साथ मिस्टर जगदीश गरज सर का स्वागत सत्कार आपसे निवेदन है साइरस पाटिल आपके शुभ हाथों से करना है। यस मिस्टर जगदीश गरज सर का भी यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। यस उसी के साथ मिस्टर मधुकर भोईर सर का भी स्वागत सत्कार जरूर किया जाएगा। साइरस पाटिल आपसे रिक्वेस्ट है कि मिस्टर मधुकर भोईर सर का स्वागत सत्कार करना है। उसी के साथ मिस्टर चंद्रकांत गोपाल देशले सर का स्वागत सत्कार किया जाएगा। यस साइरस पाटिल के शुभ हाथों से जरूर मिस्टर चंद्रकांत गोपाल देशले सर का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। अपना कीमती समय निकालकर हर एक टूर्नामेंट में मिस्टर चंद्रकांत गोपाल देशले सर जरूर हमारे साथ जुड़ते हुए आपका प्रेम हमारे साथ इसी तरह रहने दीजिए। उसी के साथ मिस्टर यस मेघनाथ घरत सर का स्वागत सत्कार किया जाएगा। यस साहिल पाटिल आपसे रिक्वेस्ट है आपके यस गौरव तरह ओके गौरव तरह के शुभ हाथों से किया जाएगा। उसी के साथ मिस्टर सुरेश पाटिल सर का स्वागत सत्कार गौरव तरह आपके हाथों से करना है। यस अरुण पाटिल सर का यहाँ पर जरूर स्वागत सत्कार किया। यस मिस्टर सुरेश पाटिल सर का स्वागत सत्कार जरूर किया जा रहा है। मिस्टर यस गौरव तरह आपसे रिक्वेस्ट है। और हमारे नाना यस मिस्टर मेघनाथ घरत सर प्लीज आपका भी स्वागत सत्कार मिस्टर यस गौरव तरह आपको आपके शुभ हाथों से करना है। और हमारे साथीदार कॉमेंटेटर मिस्टर दिलीप उत्तेकर सर आपको भी आना है आपका भी स्वागत सत्कार जरूर किया जाएगा। प्रशांत
आपसे निवेदन है। यस, सभी मान्यवरों को जरूर यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। मिस्टर दिलीप उत्तेकर सर का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। कुलशेत गांव के एक जबरदस्त हमारे साथीदार कमेंटेटर जरूर हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस सभी मान्यवरों से निवेदन है कि आप इस मान्यवर आपसे निवेदन है कि आपको बैठना है। उसी के साथ बाकी जितने दर्शक है सभी का स्वागत सत्कार जरूर किया जाएगा। सबसे पहले चलते हैं यूसीएन लाइफ इस यूट्यूब के माध्यम से जो लाइव का प्रदर्शन चल रहा था। ये सर विजय पाटिल आपसे प्रोपरेटर आपसे आना है, स्वागत सत्कार विजय पाटिल सर का किया जाएगा। ये सर यूसीएन लाइव का स्वागत सत्कार, ये सर गौरव तरह आपसे रिक्वेस्ट है। काफी जबरदस्त टेलीकास्ट यहाँ पर जरूर देखने मिला। विजय पाटिल प्रोपराइटर मिस्टर यस विजय पाटिल सर, और उसी के साथ बाकी मान्यवरों का भी धन्यवाद करेंगे। रूपेश ठाकरे सर ऑपरेटर एंड कैमरामैन जिग्नेश पाटिल एंड प्रफुल्ल पाटिल सभी कैमरामैन का भी यहाँ पर धन्यवाद करेंगे। उसी के साथ अंपायर मिस्टर नरेंद्र भारती आपको आना है। नरेंद्र भारती अंपायरिंग की भूमिका 3 दिन सक्सेसफुली ओके गोपाल। यस मंडप के लिए मंडप डेकोरेटर मिस्टर किशोर मात्रे सर, महिर डेकोरेटर्स के अगर कोई सदस्य होंगे तो प्लीज आपको आना है। काफी अच्छा डेकोरेशन जरूर यहाँ पर देखने मिला। डेकोरेटर्स के कोई होंगे तो प्लीज आपको आना है। त्यानंतर गेल्या 3 दिवसांमध्ये या जगामध्ये आपल्या आवाजाने सगळ्यांना मंत्रमुग्ध करणारे आपले राहुल हिंदी कॉमेंटेटर व्हॉइस ऑफ कोलसेत यांचा आपण सत्कार करूया। आणि नक्कीच्या या चिमुकल्या आवाजासाठी टाळ्या होऊन जाऊ द्या। एक नक्की सगळ्यांचं चांगलं मनोरंजन केलं, तुम्ही मैदानात असो किंवा तुम्ही यूट्यूबवरती बघताना असो, यस चांगलं टॅलेंटवरती येतं आपल्या कोलसेतमध्ये। यस थँक्यू आणि कॅरी ऑन मिस्टर राहुल। कुणाल गोसावी यांनी सुद्धा पुढे यायचं आहे।